अरे माँ जी, वो दीदी और जीजा जी आ रहे हैं तो आलू टमाटर की सब्जी बना लें। अरे ये क्या कह रही है बहू? टमाटर के भाव बता भी है तो तो फिर क्या बनाऊँ? बहू एक काम कर, इससे अच्छा तो तू मटर पनीर बना ले। अरे माँ जी, उसमें भी तो टमाटर पड़ता है। हाँ, उसमें भी टमाटर पड़ेगा। अरे माँ जी, कभी तो मटर पनीर की सब्जी बनाई हो तो पता हो ना आपको कि उसमें भी टमाटर पड़ता है। ठीक है दे रही हूँ। अरे माँ जी, क्या कर रहे हो ये आप? ले बहू, आधा सब्जी में डाल देना और आधा इसमें से मुझे वापस भी कर देना। इसमें से आधा सब्जी में भी डाल दो और आधा माँ जी को वापस भी करना है? इससे अच्छा तो मैं इसको खा ही लेती हूँ। अरे महिमा, क्या कर रही है? अरे आओ जी जी बैठो। अरे महिमा, बहू तो बड़ी सुंदर लाई है तो। अरे जी जी ऐसी सुंदरता का क्या करना, कुछ भी नहीं लाई है, खाली हाथ आ गई। मेरा लड़का सरकारी नौकरी में लग रहा था। अरे महिमा, एक बात बता दूं, इसके माँ बाप ने इसे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया और तुझे दे दिया, इसके अलावा और क्या लेगी तू? अरे जीजी, पढ़ाया तो मैंने भी है अपना बेटा, वैसे तो मैंने भी लगा रखे हैं, सरकारी नौकरी से लग रखा है मेरा बेटा। अरे महिमा, ऐसे दहेज का क्या करेगी तू जो दो रोटियों के लिए भी मोहताज हो जाए? वो पड़ोस में सीमा की बहू बहुत सारा दहेज लेके आई थी और उसके बेटे को भी साथ में ले गई। अब वो सीमा जो है दो रोटियों के लिए भी मोहताज है। वैसे सही कह रही हो जीजी, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहाँ गई थी बहू? मम्मी शॉपिंग करने गई थी। इतनी शॉपिंग के लिए पैसे किसने दिए? उन्होंने पैसे दिए तो मैंने शॉपिंग कर ली। वो तो घर खर्च के लिए थे, तुमने शॉपिंग कर डाली? घर खर्च से मुझे क्या? मम्मी, तुमने अचानक मुझे क्यों बुलाया? बेटा, ये जो तेरी भाभी है ना, ये घर खर्च में से शॉपिंग कर लेती है। मेरे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मम्मी, तुम एक काम करो, घर में जितना भी राशन है सारा छुपा दो। ठीक है बिटिया। अरे राशन तो सब खत्म हो गया, खाना कैसे बनाओ? मम्मी, घर में तो राशन ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? जाके शॉपिंग कर। बिना राशन के घर खर्च कैसे चलेगा? बहू, मैंने तो तुझे समझाया था कि घर खर्च में से शॉपिंग मत कर, अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। बहू को अपने किए हुए पे बहुत पछतावा होगा। खाने लगी हूँ, अब मैं नहाने जा रही हूँ। किसे बताती रहती है? कौन रखा है तूने? मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। ओहो माँ जी, मैं किसी से बात थोड़ी ना करती हूँ, मैं तो अपना डेली ब्लॉग बनाती हूँ। डेली ब्लॉग वो क्या होता है? माँ जी, मैंने कमेंट में लिंक पिन किया है, आप जल्दी से जाओ लिंक पर क्लिक करो और पूरा ब्लॉग देखो। ठीक है बहू। और माँ जी, आप ऑडियंस को भी बोलो, मेरी बहू बड़ी मेहनत करती है, जल्दी से इसके ब्लॉग देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से इसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, जाओ जल्दी। बहू। हाँ जी माँ जी, मैं तुझे बड़े दिनों से देख रही हूँ, तेरा ये चल के रहा है? क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? गुस्से में ना बोलूँ तो और क्या करूँ, फूल बरसाऊँ तेरे ऊपर जैसे तू काम कर रही है? माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अभी ये भी मैं बताऊँ तुझे, अगर तुझे मेरा बेटा पसंद नहीं था तो पहले बता देती, मैं तुम दोनों की शादी नहीं कराती। अब शादी हो गई है, एक बेटा हो गया है और तू ये सब गुल खिला रही है? माँ जी, मैंने क्या गुल खिलाए? जैसे ही बेटा ऑफिस जाता है शुरू हो जाती है। देखो अब मैं आरती करने लगी हूँ, अब देखो अयान उठ गया, अब मैं खाना खाने लगी हूँ, अब मैं नहाने जा रही हूँ। किसे बताती रहती है? कौन रखा है तूने? मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। ओहो माँ जी, मैं किसी से बात थोड़ी ना करती हूँ, मैं तो अपना डेली ब्लॉग बनाती हूँ। डेली ब्लॉग वो क्या होता है? माँ जी, मैंने कमेंट में लिंक पिन किया है, आप जल्दी से जाओ लिंक पर क्लिक करो और पूरा ब्लॉग देखो। ठीक है बहू। और माँ जी, आप ऑडियंस को भी बोलो, मेरी बहू बड़ी मेहनत करती है, जल्दी से इसके ब्लॉग देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से इसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, जाओ जल्दी। बहू। हाँ जी माँ जी,